हेलो एवरीवन, हाउ आर ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो दोस्तों, आज मैं आपके साथ सातों दिनों के नाम शेयर करने वाला हूँ, वो भी इंग्लिश में, क्योंकि हम इंग्लिश में अक्सर करके गलतियाँ करते हैं बोलने में। तो हमें उसका प्रोनाउंसिएशन देखना है, किस तरीके से हमें सातों दिनों के नाम को प्रोनाउंस करना है। अभी तक जो हमें गलत बोलते आ रहे थे, तो आज से हमें देखना है कि किस तरीके से इनका सही प्रोनाउंसिएशन है, उसी को हम यूज करेंगे, और जो हम गलत बोलते थे उसको आज से बंद कर देंगे। तो चलिए वीडियो में देख लेते हैं कि इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है सातों दिनों का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक जो हमने स्कूलों में पढ़ा है और जैसा भी पढ़ा है, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस तरीके से पढ़ा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये प्रोनंसिएशन गलत है, तो क्या आप मानोगे? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम संडे को देख लेते हैं। संडे को तो एकदम सही प्रोनाउंस करते हैं संडे, मंडे को भी मंडे, ट्यूसडे को भी ट्यूसडे। अब बात आती है वेडनेसडे की, तो इसको वेडनेसडे नहीं बोलते हैं, ये बिल्कुल गलत है। वेडनेसडे का सही प्रोनंसिएशन है वेंसडे, वेंसडे। वेंसडे के बाद आता है थर्सडे, थर्सडे भी हम रॉन्ग रॉन्ग प्रोनंसिएशन है। थर्सडे का सही प्रोनंसिएशन है थर्सडे, थर्सडे। सो ध्यान रखिए, आपसे आपको थर्सडे बोलना है। फ्राइडे आप एकदम करेक्ट बोलते थे, पर अगर सैटरडे की बात करी जाए तो सैटरडे प्रोनंसिएशन इज़ रॉन्ग। सैटरडे का सही प्रोनंसिएशन है सैटरडे, सैटरडे। एक बार रिपीट कर लेते हैं। संडे, संडे, रविवार। मंडे, मंडे, सोमवार। ट्यूसडे, ट्यूसडे, मंगलवार। वेंसडे, वेंसडे, बुधवार। थर्सडे, थर्सडे, गुरुवार। फ्राइडे, फ्राइडे, शुक्रवार। सैटरडे, सैटरडे, शनिवार। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये सातों दिनों में कुछ दिन ऐसे हैं जिनका प्रोनंसिएशन हम बिल्कुल गलत बोला करते थे। तो आज से हमें ये प्रोनंसिएशन जो आज से पता चल गया सही वाला, तो उसी को यूज़ करना है, क्योंकि अभी तक हम गलत बोलते आए थे, लेकिन अब गलत नहीं बोलना है। अभी भी गलत बोलते रहेंगे तो फिर इस वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस वीडियो को एक बार और ध्यान से देखिए कि कौन से दिन को किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो, हेल्पफुल रही हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारी ढेर सारी वीडियोस हैं जो कि प्रैक्टिस वीडियोस हैं, डेली यूज सेंटेंसेस हैं, और भी कई तरीके की वीडियोस हैं जिनसे आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जाइए हमारे चैनल पर और एक बार ज़रूर प्रैक्टिस वीडियोस, ये वीडियो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इस वीडियो को मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, जिससे कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।